बुलंदशहर में एक किशोरी से रेप का मामला सामने आया आरोप है कि दरिंदे ने अकेला देखकर घर में घुसकर किशोरी को दबोच लिया और उसके साथ दरिंदगी की और फरार हो गया यह मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है रेप पीड़िता व रेप को अंजाम देने वाला आरोपी एक ही मकान में ऊपर नीचे रहते हैं। दिन में लगभग तीन बजे पीड़िता के परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर गए हुए थे मौका देख आरोपी जबरन पीड़िता के घर में घुस गया बलात्कार की घटना को अंजाम देकर हो गया फरार हम अंदर अकेले सोए हुए थे और अंदर एक धक्का मार के हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी पूरे कपड़े पूरे उतार दिए हमारी लड़की सो रहा कार लगा के धाके लगा के हेल के कबाड़ तोड़ के कुंदी और हेल के और लड़की के मुंह में ओछा बांध के और बलात्कार कर दिया और बाहर से दूसरे को ताले लगा दिया अच्छा। कमरे वालन फिर वही से तोड़ के निकाल दिया लड़का के परिवार के वापस लौटने पर बलात्कार किए जाने की बात पीड़िता ने अपनी मां को बताई परिवार वाले देर रात दरिंदगी की शिकार लड़की को लेकर खुर्जा कोतवाली में पहुंचे खुरजा नगर कोतवाली में तहरीर दी हाँ खुर्जा के नेहरूपुर मोहल्ले में एक मकान में नीचे के हिस्से में एक परिवार रहता है और ऊपर के हिस्से में दूसरा परिवार रहता है ऊपर के हिस्से में रहने वाले परिवार के एक युवक द्वारा जिसकी उम्र इक्कीस वर्ष है नीचे के हिस्से में रहने वाली एक लड़की के साथ उसी के कमरे में दुष्कर्म किया गया जिस समय लड़की के माता पिता बाहर गए हुए थे बाद में जब माता पिता घर लौटे और उन्हें जानकारी हुई तो उनके द्वारा एक तहरीर थाना खुर्जा नगर में दी गई उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है वैधानिक कार्रवाई की कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट एन न्यूज़ नागपुर